हमारे देश में गाड़ियों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। अब किसी भी सेगमेंट में किसी भी कीमत की गाड़ी लें, आप एक आम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनने पर मजबूर करती है, और वो है ट्रेंड में होने की वजह से अमूमन इस गाड़ी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से आज हम आए हैं जापान के एक छोटे से कस्बे में जहाँ की आबादी बहुत ही कम है। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो दिस कार इज़ बिगर देन योर ऑर्डिनरी फॉर्च्यूनर, बिकॉज इस कार को मिलती है जेसीबी जैसी लुक्स, यानी 7.5 टन वेट के साथ ये गाड़ी रोड के ऊपर हर कंज्यूमर कार से बड़ी है और आपको ईजिली रस्ते दिलवा सकती है। हंसते हंसते लग जाए रस्ते। ऑन द फ्रंट आपको मिलता है एक बहुत ही शानदार लोडर, जिससे आप लोगों की गाड़ियों का सफाया कर सकते हो। इन लोडर को चलाने के लिए यू कैन सी दिस हाइड्रोलिक प्रेशर पंप्स, एंड इसके पीछे आपको मिलता है आपका एग्जॉस्ट, यानी आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपका एग्जॉस्ट आपके नाक की सीध में। अगर मैं साइड की बात करूं तो जेसीबी को बहुत ही टॉल स्टांस मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी के व्यू एंगल बहुत ज़्यादा शानदार है, जिनकी बात हम ड्राइविंग के समय करेंगे। अगर मैं टायर्स की बात करूं तो यू कैन सी आगे आपको छोटा टायर मिलता है, पीछे आपको बड़ा टायर मिलता है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक ट्रैक्टर के अंदर होता है, बिकॉज आपको पिछले टायरों पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए होता है। उसके अलावा राइट साइड पर आप एक फ्यूल टैंक देख पा रहे हैं जहां पर गाड़ी का डीजल डलता है, एंड एक सिमिलर टैंक आपको लेफ्ट साइड पर मिलता है जहां पर हाइड्रोलिक्स के लिए ऑयल डाला जाता है। अगर मैं गाड़ी के इंजन की बात करूं तो इस गाड़ी को मिलता है 76 हॉर्स पावर का इंजन, जिसकी बात हम गाड़ी के ड्राइविंग के समय करेंगे। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। इस गाड़ी के रेयर पे आपको मिलता है एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, बहुत ही शानदार रेयर विंडो, हाइड्रोलिक स्टेपर जिसकी मदद से गाड़ी को उठाया जा सकता है, एंड देन दिस एलिफेंट ट्रंक जिसकी मदद से आप मिट्टी या पत्थर को उठा सकते हैं और ट्रैफिक के अंदर स्ट्रेट ड्राइव पे बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट लगा सकते हैं। एंड इट इज़ टाइम टू मूव टवर्ड्स द इनसाइड। एंड अंदर जाने के लिए आपको 2 फुटरेस्ट मिलते हैं, नॉट 1 बट 2, जो कि आपको फॉर्चूनर, मर्सिडीज, थार, लैंड रोवर किसी गाड़ी में भी नहीं मिलते। एंड अंदर चलने के लिए आई हैव टू ग्रैब इट फ्रॉम हेयर, एंड नाउ आई एम इन द इनसाइड। एंड अगर मैं इनसाइड लुक्स की बात करूँ तो यू कैन सी इट इज़ क्वाइट मेस्ड अप, लेकिन येस वी विल हैव अ डिटेल्ड व्यू ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले अगर मैं सीट की बात करूँ, क्योंकि सीट के ऊपर बैठ के मैं सीट क्वालिटी की बात नहीं कर पाऊँगा, तो सीट की कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, हालांकि सीट के ऊपर बहुत सारे कस्टम कवर लगाए गए हैं। एनी वेज लेट अस सिट ऑन द सीट, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू, एंड लुक एट दिस थिंग प्रेजेंस। वो सो कितना छोटा सा इंसान मेरे सामने गाड़ी की वीडियो बना रहा है, इट लुक्स सो स्मॉल एंड सो लुक्स द अदर कार्स। एनी वेज अगर मैं सबसे पहले डैशबोर्ड की बात करूँ तो देर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे राइट साइड के ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स है। अगर मैं इस चाबी को ऑन करूँ, ये गाड़ी की चाबी लगाने की जगह है, विच इज़ क्वाइट यूनिक, दिस इंडिकेट्स दैट द बैटरी थिंग इज़ ऑन। कुछ लाइट्स मिलती हैं जो कि फिलहाल ऑफ है, और ये ऑफ रहे तो अच्छा है, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। ऑन द टॉप आपको कुछ स्विचेज मिलते हैं फॉर द लाइट्स, आगे की लाइट, पीछे की लाइट, देन उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ कस्टम स्विचेज मिल जाते हैं, मे बी किसी रीजन से ऑपरेटर ने लगवाए होंगे, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पर आपको अलग से फ्यूल मीटर मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको सेंटर में स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो। पहली बात तो उसकी मैक्सिमम स्पीड ही 25 तक है। जब मैं इस गाड़ी को यहाँ लेकर आ रहा था और पीछे इंडिका खड़ी है मेरी, तो मेरे को लग रहा था ये बंदा इतना धीरे क्यों चला रहा है, क्या पता चलो ट्रैफिक होगा इसकी वजह से धीरे आ रहा होगा, पर अब मुझे समझ में आया ये बंदा धीरे क्यों चला रहा था। इसके अलावा देर इज़ वन मोर थिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर इन फोर्थ गियर। अगर आप किसी भी गियर में हो, उससे छोटे वाले, तो आप इस चीज़ को उस गाड़ी की स्पीड के साथ सिंक नहीं कर सकते। ये चीज़ एक्यूरेट तब होगी जब गाड़ी फोर्थ गियर के अंदर होगी, तो दिस इज़ रैदर यूनिक। उसके नीचे मुझे कुछ फ्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें मुझे लगता है मुझे हाथ नहीं डालना चाहिए। ऑन द फ्रंट आपको एक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल टाइप ही लगता है, बिकॉज ये एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बनाया गया है, यानी इट इज़ क्वाइट लाइट। नीचे मुझे 2 स्टॉक्स मिल जाते हैं, एंड आई बिलीव ऑन द राइट इज़ अ हेडलाइट रिलेटेड स्टॉक, एंड ऑन द लेफ्ट ये गाड़ी का ड्राइविंग का कंट्रोल है, यानी अगर मैं इस चीज़ को लिफ्ट करता हूँ और फ्रंट करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, तो दिस इज़ इन ड्राइव मोड, लिफ्ट करके बैक करता हूँ तो इट इज़ इन न्यूट्रल, एंड अगर इन लिफ्ट करके बैक करता हूँ तो इट इज़ नाउ इन द रिवर्स, तो दिस इज़ अ नाइस थिंग। एंड ऐसे ड्राइविंग मोड्स काश होंडा सिटी को भी मिले होते। अपार्ट फ्रॉम डैट यहाँ पर यू कैन सी द हॉर्न्स हैं, तो इस गाड़ी के हॉर्न को एक्टिवेट करने के लिए यू हैव द बटन एट हेयर। गाड़ी फिलहाल बंद है, तो जब चलाएंगे तब देखेंगे ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती, जिस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर मैं गियर की बात करूँ तो दिस इज़ द गियर लीवर, जिसका मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गियर लीवर आई हैव एवर सीन, बट ओके इट इज़ क्वाइट नाइस। दिस इज द हैंड ब्रेक विच डजंट वर्क आई बिलीव। उसके अलावा दिस इज अ गियर लीवर फॉर दैट लोडर, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। नीचे आपको 3 पेडल्स मिल जाते हैं, दिस इज द एक्सेलरेटर, दिस इज द ब्रेक, एंड दिस इज अगेन द ब्रेक, यानी यहाँ पर आपको 2 ब्रेक्स मिलती हैं। दिस इज सो नाइस एंड सो फनी। नेवर माइंड, हम सीट से बिना उठे पीछे चलते हैं, बिकॉज दिस सीट कैन रोटेट 360 डिग्रीज।
तो यहाँ पर मुझे कुछ जगह मिलती है जहाँ पर मेरा साथी बैठ सकता है, लेकिन इस चीज़ के नीचे आपको टूल बॉक्स मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए आपको टूल्स को साथ रखना आवश्यक है, क्योंकि इन गाड़ियों की रिपेयर इजीली नहीं मिलती। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर मैं रेयर पर आ जाऊँ तो आई हैव दीज टू लेवर्स विच कंट्रोल द बकेट ऑफ दिस व्हीकल। उसके अलावा ये जो दो छोटे लेवर आप देख रहे हो, ये दो छोटे लेवर इन स्टेपर्स के हैं, जो हाइड्रोलिक स्टेपर आप देख रहे हो। तो आपको ही मन कर रहा होगा उसको चला के देखने का, लेट्स डू इट। बट बिफोर दैट वी विल लुक एट टू मेजर थिंग्स। सबसे पहले यहाँ ऊपर हमको मिलता है हमारा रेयर व्यू मिरर, विच इज़ क्वाइट बिग कम्पेयर टू द अदर कार्स। एंड यहाँ पर आपको मिलता है एक टेम्परेचर गेज जिसके अंदर फाइव मार्किंग्स है, 40, 60, 80, 100 एंड 120। नाउ 40 to 60 रेड कर रखी है, 100 to 120 रेड कर रखा है, यानी इन दो मार्किंग्स के बीच में ये गाड़ी ऑपरेटिंग टेम्परेचर में नहीं होती है। 60 to 100 यू कैन ड्राइव दिस व्हीकल, 40 to 60 दिस इज़ टू कूल टू बी ड्रिवन, एंड 100 to 120 इट इज़ टू हॉट टू बी ड्रिवन। अब हम इस चीज़ को चला के देखते हैं, एंड आई एम क्वाइट अफ्रेड कि ये चीज़ कैसे काम करती है। तो पहले मैं ब्रेक दबा के रखूँगा और मैं चेक कर लूँगा कि मैं न्यूट्रल में ही हूँ, क्योंकि मैं एक्सीडेंट नहीं करना चाहता इतनी बड़ी चीज़ के साथ। एंड ऑन माई राइट दिस इज़ द की, एंड नाउ वी हैव फायर्ड अप द जेसीबी एंड यू कैन लिसन द इंजन नॉइज इन द कैबिन बिकॉज देर इज़ नो सच आइसोलेशन। एंड सबसे पहले हम इस लेवर की बात करते हैं लोडर की। तो अगर मैं इसको पीछे करूँ तो इस चीज़ को ऊपर उठाया जा सकता है, अगर मैं आगे करता हूँ तो इस चीज़ को नीचे बिठाया भी जा सकता है, विच आई एम अफ्रेड इट विल हिट द ग्राउंड सून। उसके अलावा अगर मैं इसको साइड पर करता हूँ तो मैं इसके मुंह को एडजस्ट कर सकता हूँ, यानी अगर मैं इसको साइड पर करूँ आई होप इट इज विजिबल टू यू पीपल। And there is my friend Arun Kumar helping me in every shot I take on this engine. Two hours later. And अब चलते हैं रेयर की तरफ अपनी 360 डिग्री रोटेटिंग सीट पर। एंड अब हम ऑपरेट करके देखते हैं ये एलिफेंट ट्रंक यानी कि बकेट। सो मुझे ऑनेस्टली भूल चुका है किसका क्या फंक्शन है, तो आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। एंड इसको पीछे करके इसको हम ऊपर उठा सकते हैं एज यू कैन सी। एंड अब इसके मूवमेंट के लिए हम इस लेवर का इस्तेमाल करेंगे जिसको आगे करके शायद हम उसको आगे कर सकें। तो अगर मैं आगे करता हूँ तो यो इट इज़ गोइंग इफ यू कैन सी। अगेन इसको नीचे करके ओके ऊपर कर दिया गलती से, नीचे करते हुए। तो इस बकेट को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज अभी राइट नाउ मैं कैमरा भी चला रहा हूँ। तो सब कुछ चलाते हुए आपको पता है कि हमारा क्योंकि हाथ किसी और चीज़ पर सेट है, तो मैं सारी चीज़ों को एकदम एफिशिएंटली नहीं चला सकता। एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ को ख़राब कर दूँ, तो वी वोंट मेस विद दिस थिंग। इसके अलावा ये आपको मैं दिखा चुका हूँ कि इस कंट्रोल से हम बकेट को कैसे सेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ऊपर नीचे साइड पर भी किया जा सकता है, जैसे ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अपने राइट साइड पर घुमा रहा हूँ, अब इसको अपोजिट लेकर चलते हैं तो ये अब मेरे लेफ्ट साइड पर घूम रहा है। यानी मैं ऐसे किसी को भी गाड़ी को पिछले आने वाली को बोलता हूँ, अरे चल साइड हो जा, तो वापस लेकर चलते हैं। एंड अभी ये चीज़ सेंटर पे है। अगर मैं इन दो लेवर्स की बात करूँ तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, अगर मैं इनको पीछे खींचता हूँ तो हम थोड़ा ज़मीन से ऊपर होना शुरू हो चुके हैं। आई डू नॉट थिंक इट इज़ प्रॉपरली विजिबल टू यू पीपल। एंड अभी नीचे चलते रहे हैं तो वापस अगर मैं इसको करता हूँ तो अगर मैं इसको आगे की तरफ पुश करूँ बेसिकली दीज आर इंडिविजुअल कंट्रोल्स, मैंने पहले बताना भूल गया। तो अगर मैं दोनों को एक साथ पुश करूँगा तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे, अदरवाइज ये अलग अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं। सो व्हीकल इज़ ऑल सेट। थोड़ा सा इसका बैलेंस मेरे को सेंटर में नहीं करना आ रहा है। इज़ इट इन द सेंटर नाउ? आई थिंक इट इज़। तो अब समय आ गया है इस गाड़ी को चलाने का और इस गाड़ी को रोड पे लेकर जाने का। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू ड्राइव द बीस्ट द जे सी बी।
एंड आगे चलने के लिए इसको लिफ्ट करके अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो नाउ वी आर एट ड्राइव मोड एंड हल्का सा एक्सेलरेशन देने पर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्केरी व्हीकल आई हैव एवर ड्रिवन. This is the most loosey steering wheel and yes this thing is very difficult to operate and control on any road surface. I hope the steering wheel thing is visible because I am super afraid to drive this thing. गाड़ी को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे लिटरली गाड़ी का कंट्रोल पता नहीं चल रहा है. देर इज़ नो फीडबैक फ्रॉम द स्टेयरिंग एट ऑल, जीरो फीडबैक एंड दिस इज़ नॉट इवन अ पावर्ड स्टेयरिंग यूनिट. तो एक सिंपल स्टेयरिंग व्हील जिसमें फीडबैक ना हो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू ऑपरेट. पाजी है नहीं अपने पास भी हैगी चीज. ਭਾਜੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ. ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਭਰਾਵਾ. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸਟੈਮ 'ਤੇ ਆ. ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ 'ਤੇ. ਬਸ ਰੁਕ ਜਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਵੋ, ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਹਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਸ ਗਾੜੀ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ.
फिलहाल इस गाड़ी को बंद करने के लिए आई हैव टू पुश दिस थिंग फ्रॉम हेयर। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैंने बहुत सी गाड़ियाँ चलाई हैं रियल लाइफ में, रिव्यूज़ चाहे कम किए हों जैसे मर्जी है, छोटी से छोटी गाड़ी भी चलाई है, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी चलाई है, लेकिन इस गाड़ी को चला के मुझे पता चल गया कि चाहे हम जितना मर्जी इंटरनेट पे देख ले जेसीबी की खुदाई और कोई भी फोटो अपलोड कर दे सेलिब्रिटी उसका जैसे मर्जी, लेकिन इस गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाना जो इन जैसे ट्रेंड ऑपरेटर का ही काम है, हम जैसे लोगों का काम बिल्कुल है ही नहीं। तो आज के लिए स्पेयरव्हील के अंदर इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो के अंदर मेरी हेल्प करी है मेरे दोस्त अरुण कुमार ने, उसके बाद ये पाजी हैं जिन्होंने हमको जेसीबी अवेलेबल करा के दी है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेटर से मैं आपको मिलवा चुका हूँ, वहाँ कोने में भी एक बंदा हमारी मदद करने के लिए खड़ा हुआ है, हमको पानी लगा देता है हर बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे बहुत ज़्यादा डिटेल रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Later that same evening. इतना गर्मी में वीडियो करेंगे तो कैमरा हिट नहीं होगा क्या? फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको पता है कितना गर्मी हो रहा है, हमको ये पसीना नहीं छूट रहा है, ऊपर से इस गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है। ओह, एसी तो है ही नहीं।